in between your studies why because your mind is roaming towards your friends ki nahi yaar bahut der ho gayi friends se baat ki hue pehle ek message dal de then only I will stick on my studies is it so it is a kind of chat actually ye 5 minute se break kitne hote ye 3-4 hote honge ek jab 20 मिनट हो गए और मैं अपने आप को और रिचार्ज करने के लिए और पढ़ाई में मन लगाने के लिए लेती हूं ये नहीं कि अपने हिसाब से आधे घंटे रोज 30 मिनट्स हां इट शुड बी अलाउड फॉर एवरीडे बिकॉज़ आप वही वाली बात है ना इस एज पे आपके बच्चे मां-बाप के पास ज्यादा नहीं रहना चाहते हैं या बात नहीं करना चाहते उनसे वो अपने फ्रेंड सर्किल को ज्यादा जो है टाइम देना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आप टाइम को कैसे आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि वो घर से बाहर रहेंगे तो समय तो आप उनके ऊपर नहीं कंट्रोल कर सकते हो कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बात कर रहे हैं ज्यादा तो मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ और बस ये कि मैं उसे मेरी रहती कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा तुम हमारा पढ़ाई पर ध्यान दो और बीच में तो मैं एक आधा घंटा एक घंटा के लिए उसमें कई बार आपके मोबाइल पे भी कुछ ऐसे मैसेज आ जाते हैं रोज ही उसको नहीं आना चाहिए लेकिन तो अच्छा मान लो आप नहीं कर रहे हो लेकिन बहुत से लोग ऐसे मैसेज आपके पे कर देते हैं कि उसमें पिक्चर्स और वगैरह डाउनलोड्स करके भेज देते हैं वो लोग तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा बस उसमें बहुत से अच्छी भी चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ों पर आप बच्चे पर नज़र रखिए एक बार बार आपने कहा ना कि डर मैं हमेशा कहता हूँ डर के ही आगे जीत है क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि अगर हम लोग पापा इतनी कड़ाई ना किए होते तो हम लोग भी नहीं तो आज जो थोड़ा सा हो रहा है ना कि हम लोग बच्चों को ज्यादा थोड़ा सा रिलैक्स कर दे रहे आज का बच्चा रिस्पेक्ट करता तो है लेकिन उसकी रिस्पेक्ट बहुत ही फ्रेजाइल होती है बात करते करते अटेंशन थोड़ी अजीब से बड़ी यूज कर देता है उस आर्गुमेंट्स को इस दिशा में लेकर हो रहा है आर्किटेक्चर में लेकिन हम उसके लिए ऐसा नहीं कि बच्चे के लिए कोई गलत ओपिनियन रखे ये जनरेशन है आज की उस पे हम कोई फ्री फॉर्म ओपिनियन नहीं बना के चल सकते हैं उस चीज के लिए हमें जनरेशन भी तो हम ही लोगों की है ना ये भी हम लोग ने दिया है हम लिबर्टी हर जनरेशन लिबर्टी देती है हमारे मदर फादर ने हमको लिबर्टी दी थी बच्चे जो आर्गुमेंट वाला जब सीन आता है तो वो बच्चा अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करता है और वो जब और तभी आर्गुमेंट स्टार्ट होता है बच्चे उस बच्चों को अपनी बात कहने के लिए हमें बड़ा ट्रिक अपनानी पड़ती है कि बच्चों से कैसे अपनी बात कहे जैसे आपने कहा ना कि अगर स्टिकले तो कान बंद बिल्कुल सही कह रहे तो हमें बड़े ट्रिक से अपनी बात अपनी मनमानी पड़ती है आप उसको जस्टिफाई करो कि वो गलत कह रहा है और वो केवल जनरेशन गैप की वजह से है और नेचुरल भी है आज से 20 साल बाद भी होगा आज भी है